आज एक नई जिंदगी में देखेंगे कैसे सीबीएन फाउंडेशन ने दो समुदायों को स्वच्छता से जुड़ी हुई सहूलतें प्रदान की। करेंगे एक खास मुलाकात हमारे गेस्ट पार्टनर के साथ। बाइबल वचन आपके लिए, प्रार्थना और गीत। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयते मम भारत जयते। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के द्वारा आप जानने पाएंगे कि आप दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के साथ, एक ऐसे समुदाय के साथ जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं था। पीने का साफ पानी एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो आज भी भारत में बहुत सारे लोगों को जिसमें से निकलना पड़ता है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं सुमन के साथ। आप सोचकर हैरान होंगे कि दिन में 15-20 बार उसे पानी लाना पड़ता था और उस पानी को यूज़ करने से पहले वेट करनी पड़ती थी ताकि उसकी गंदगी सारी सेटल हो जाए। कितना मुश्किल रहा होगा इतने समय से उसके लिए यही पानी इस्तेमाल करना। लेकिन सीबीएन फाउंडेशन ने इस समुदाय की प्रॉब्लम को देखा, जाना और उसकी समस्या का हल लेकर आए। आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए मिलकर देखते हैं अपनी प्रोड्यूसर असलना संगमा के साथ। अलाहाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे लालूडी गांव में खुशी और ठहाकों की गूंज सुनाई पड़ी जब यहां 50 से भी ज्यादा परिवारों को नए बोरवेल का उपहार मिला। इस बोरवेल को प्रार्थना के साथ समर्पित किया गया और साफ पीने का पानी पाकर लोग काफी उत्साहित थे। इसी छोटे से गांव में सुमन देवी रहती हैं। गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से उनके लिए परिवार की देखभाल करनी आसान नहीं था। दिन में 10-20 बार पानी ले जाने हैं। पानी में बहुत बालू आते हैं, आधा घंटा इंतजार करते हैं बालू बैठ जाते हैं, आधा पानी खराब हो जाते हैं। जो गंदा पानी पीते हैं हमारा आदमी है बीमार हो जाते हैं, काम पे नहीं जा पाते हैं, खेती में कमी हो जाते हैं। कम आय की वजह से सुमन अक्सर लोगों से उधार लेकर अपना काम चलाती थी। कोई बीमार हो जाता है पैसा में उधार लेता पड़ता है, बहुत दुख लगता है। बच्चों को फीस नहीं देते, उनका टाइम से खाना नहीं बन पाते हैं। सुमन अपने को असहाय महसूस करती थी और हालात उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से और भी खराब होते जा रहे थे। सबके लिए पानी चलाते हैं, शरीर में दर्द है, काम करते हैं, आराम नहीं मिलता। जब सुमन ने सोचा कि इस हालात से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब अचानक एक दिन एक स्थानीय पास्टर उनके घर आए और सीबीएन फाउंडेशन की तरफ से नया बोरवेल लगवाने की बात कही। जब हमारे पास मनल लगे तो अच्छा होते हैं, खुशी मनाते हैं। आदमी का साफ पानी पियाना तो समय से काम पर जाते हैं, बच्चों को पिलाना साफ पानी, जाने है। अभी हमने देखा कैसे सीबीएन फाउंडेशन के द्वारा किए गए इन कामों के द्वारा पूरा समुदाय बेनिफिट हुआ और उनके जीवन में सुधार आ सका। समीर जी, अगर साफ पानी ना मिले तो कितनी गंदगी फैल जाती है, और मुझे लगता है कि इतनी सारी डिजीजेस हैं जो गंदे पानी की वजह से इंसान को लग सकती हैं। बिल्कुल, साफ पानी एक बहुत ही जरूरत है हर एक व्यक्ति की। Trying to help people not with their wants. हम ये नहीं कि हमें ये चाहिए या हमें ये चाहिए, हम कह रहे हैं बेसिक जो नीड्स है हम चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुंचा सकें। हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए और हम चाहते हैं आप भी साथ दें, हम सब मिलकर देखें कि जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं वो लोगों की पूरी हो सके। दान के क्षेत्र में बढ़ो। दोस्तों, जब भी हम पैसा या दान के बारे में बात करते हैं, कई लोग हैं जो नर्वस हो जाते हैं, कहते हैं कि इस विषय पे बात क्यों कर रहे हो। पौलुस लेकिन इस विषय पे लगातार बात करते थे, यीशु मसीह इस विषय पे लगातार बात करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, पौलुस कुरिंथ नाम के शहर में जो विश्वासी लोग इकट्ठा होते थे उन्हें एक पत्र लिखते हैं। कुरिंथियों की पुस्तक में ये बताया गया है और पौलुस ये कहते हैं,
कहते हैं कि विश्वास के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो, ज्ञान के क्षेत्र में तुम अच्छा कर रहे हो, सेवा के क्षेत्र में तुम अच्छा कर रहे हो, इसी तरह एक्सेल इन ऑल दीज थिंग्स, कह रहे कि इसी तरह इन क्षेत्रों में तुम बढ़ते रहो। एंड देन ही सेज जस्ट एज यू एक्सेल इन दिस, जिस तरह तुम इन क्षेत्रों में बढ़ रहे हो उसी तरह दान के क्षेत्र में भी बढ़ो। हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित ना रहे, हर दिन हम चाहते हैं कि हम ज्ञान में बढ़ें। हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास सीमित ना रहे, हर दिन हम विश्वास के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों कि हम दान के क्षेत्र में छोटे रहें, या हम दान के क्षेत्र में कम रहें, या दान के क्षेत्र में हम ना बढ़ें? दोस्तों, आज मैं पौलुस के समान आपको प्रोत्साहन देता हूं कि जैसे तुम हर एक क्षेत्र में बढ़ रहे हो, दान के क्षेत्र में भी बढ़ो। आइए इस वचन को हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 8:8-9। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस वचन में पौलुस कह रहा है, आई एम नॉट कमांडिंग यू, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा कि दान करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि हृदय से चाहत के साथ विलिंगली चीयरफुली दान के क्षेत्र में बढ़ो। भाई समीर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि वचन क्या कहता है दान के बारे में। तो आप भी अपने दान को, अपने योगदान को हम तक पहुंचाकर बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप इसी समय हमें कॉल करें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, और आप हमारे साथ पार्टनरशिप में शामिल हो जाएं। आपके द्वारा भेजे गए थोड़े दान से भी बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। प्रोग्राम में अब समय आ पहुंचा है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा भेजे गए दान से और क्या क्या काम हो रहे हैं। इस बिजी लाइफ में हमारे और आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने लिए वक्त निकालना। कभी कभी इस दौरान हम अपने फेवरेट टीवी शो को भी मिस कर देते हैं। अगर आपने अपने फेवरेट टीवी शो एक नई जिंदगी को कभी मिस कर दिया हो, तो आप उसे देख सकते हैं। CBN फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने वक्त पर अपने फेवरेट शो का मजा लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको ले चलेंगे देहरादून की एक बस्ती में, और दिखाएंगे कि आपके द्वारा भेजे गए योगदान से यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए हैं। दोस्तों, जब हम इस बस्ती में गए तो हमने देखा कि यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है, और जरा सोच के देखिए कि ये वो सब लोग हैं जो बाहर खुले में शौच करने जाते हैं। उस सारे माहौल को, उस सारे जगह को आप प्रदूषित होने से रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमारे द्वारा किए गए कुछ ऐसे स्टेप्स की वजह से वो माहौल बदला जा सकता है, और यही हुआ इस बस्ती में। CBN फाउंडेशन के कुछ ऐसे कार्यों को जो उस बस्ती में किए गए लोगों की भलाई के लिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारी प्रोड्यूसर रॉले ग्रेस आप तक लेकर आ रही हैं इस प्रस्तुति को। देहरादून की वीर गब्बर सिंह बस्ती एक ऐसी बस्ती है जहां के लोग या तो मजदूरी करके या दिहाड़ी करके बहुत ही कम आमदनी में अपना गुजारा करते हैं। देश के दूसरे शहरों से यहां आकर बसे इस बस्ती के लोगों के पास कई बुनियादी जरूरतों की कमी है। CBN फाउंडेशन ने इस बस्ती में काम करते हुए ये पाया कि जब CBN फाउंडेशन ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आरंभ किया था यहाँ पे, तब उस प्रोजेक्ट के दौरान हमें पता चला कि ये उन गाँव में से आता है जहाँ पर शौचालय की सुविधा नहीं है। यहाँ पे 63 फैमिलीज सीधे यहाँ पर रहते हैं, और मैक्सिमम 80% के पास टॉयलेट नहीं है। हम जब आए हुए थे इस बस्ती में तो सब नदी में जाते थे, कोई झाड़ियों में जाता था, और विशेष महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत थी, जिस वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस गाँव में हम लोग इसका निर्माण करेंगे। CBN फाउंडेशन ने यहाँ सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया, और इसके उद्घाटन के मौके पर यहाँ के विधायक ने CBN फाउंडेशन के कामों की सराहना की।
सीबीएन संस्था ईश्वर को मानती है और ये गरीबों की सेवा करना भी एक ईश्वर की ही पूजा करने के स्वरूप होता है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संस्था को। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक मुख्य जो कार्य है बस्तियों में स्वच्छता का, उसके लिए जो शौचालय आपने निर्माण किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शौचालय के बनने से यहाँ के कई लोगों को अब सुविधा हो गई है और वो खुश भी हैं। जो कार्य पहले ना हुआ वो आज हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ। कई जो शौचालय बना है बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को सुविधा हुई है, बहुत खुशी है बस्ती वालों को। हमारी बहू बेटियाँ हम जैसे भी है मतलब शौचालय में आराम से बैठेंगे, आराम से इज्जत से रहेंगे। ये आड़ होती है लेडीज लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये आड़। जैसे ये ओपन बैठते थे, नदी नालों में बैठते थे, कोई अच्छा बुरा आदमी आता है, जेंट्स आते हैं तो कुछ लोग पत्थर मार देते थे तो लेडीज लोगों को बुरा लगता था। सुविधा हो गई, छोटी छोटी लड़कियों को बहुत सुविधा हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। झाड़ी में झाड़ना पड़ रहा है इतना बरसात में, तो बहुत अच्छा हो गया। पानी की सुविधा हेडपंप में तो टंकी भर जाएगी, आगे लाइन आएगी तो उससे हम टंकी डायरेक्ट भर दिया करेंगे। तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ही हमारे कभी हमारे लिए हो जाएगा ऐसा। गरीब इंसान क्या कोशिश करेगा, अपनी रोटी कमा के रोटी खा सकते, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। पर उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे लिए सोचा इतना कुछ। बहुत बढ़िया काम किया आपने, सारे लोग वहाँ चले जाएंगे, सुविधा ज्यादा ही होगी। आप लोग सबके धन्यवाद है जो बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने देखा कैसे देहरादून की इस बस्ती में सीबीएन फाउंडेशन ने अपने कार्यों को किया और उनके जीवन को बेहतर बनाया। दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर थोड़ी थोड़ा एफर्ट अगर हम सब करें तो गरीब तबके को हम एक अच्छे लेवल पर ला सकते हैं, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज देकर, ताकि वो अपने जीवन को तनाव रहित किसी हद तक कर सकें, ताकि उनमें जो रोष है, तनाव है, वो किसी हद तक कम किया जा सके इन बेसिक फैसिलिटीज को देकर। आप भी हमारे इन कार्यों में हमारा साथ दे सकते हैं। आज ही आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़े इस नंबर पर आप हमें कॉल करें ताकि आप भी इन लोगों की मदद कर सकें और इनके जीवन के तनाव को कम करने में हमारा साथ दे सकें। बिल्कुल, स्वच्छता और स्वास्थ्य बहुत ही बेसिक नीड है, ऑलमोस्ट लाइक अ फंडामेंटल राइट होना चाहिए हर एक व्यक्ति का। और अगर हम सब शामिल हो जाएं तो हम देख सकते हैं कि लोगों तक ये बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। जी बिल्कुल समीर जी, और मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप भी हमारे साथ योगदान देकर जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ संपर्क करना चाहते हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये रही आपके लिए हमारे पते की जानकारी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR, 122009। ऑनलाइन डोनेशंस www.cbn.in। दोस्तों हम जानते हैं कि इस तरह के कार्यों को बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहन की जरूरत है। एवरीवन नीड्स टू बी एनकरेज्ड ताकि ऐसा कार्य आगे बढ़ जाए। आज हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर के साथ आप मिलें और उनकी कहानी को आप सुनें। उनकी कहानी के द्वारा आप जरूर प्रोत्साहन पाएंगे। सीबीएन से हमारा कनेक्शन लगभग 10 साल से है, जब से ये इनकी शुरुआत हुई थी। एक नई जिंदगी प्रोग्राम इनका टीवी पे आया था। और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी, और इस प्रोग्राम के द्वारा हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी गवाहियां हमने इस प्रोग्राम के द्वारा सुनी और उससे हमारे विश्वास को मजबूती मिली। ऐसा कि जब हम किसी काम के लिए, सामाजिक काम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पहले तो ये मन में विचार आता है कि हम उन लोगों तक मदद पहुंचाएं जिनको इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमने टीवी पे जो काम ये करते हैं उन सबको हमने काम को होते हुए देखा है। जैसे जिन जगहों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सीबीएन ने पहुँच के वहाँ पे वाटर पंप लगवाए हैं, सिलाई मशीनें उन्होंने दी है, कंप्यूटर सेंटर उन्होंने चलाए हैं। कुदरती आफतें आई हैं वहाँ पर भी जाते हैं काम करने के लिए, तो इससे हमारे मन को बहुत खुशी और आनंद मिलता है। इनके प्रोग्राम पेश करने का तरीका हमें काफ़ी डिफरेंट लगा और अच्छा लगा, मन को छुआ भी।
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन हमने CBN को इसलिए चुना क्योंकि जो भी हम CBN को डोनेट करते हैं वो सही जगह पे लगता है, लोगों की उसमें सच में मदद होती है। तो उसके साथ हम भी जुड़े के अंदर अपना कुछ ना कुछ शेयर डालते हैं। इस बात को देख के बहुत खुशी मिलती है कि वो हमारा पैसा ऐसे व्यर्थ नहीं जा रहा बल्कि उन गरीब लोगों तक पहुंच रहा है जिसको जो सचमुच में डिजर्व करते हैं, और CBN इस तरह से परमेश्वर के प्रेम को दुनिया में बांट रहा है। तो हम सचमुच CBN के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने इस काम को ऐसे ही आगे बनाए रखें। CBN का प्रोग्राम हम 8-10 साल से देख रहे हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं समीर और मैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक नई जिंदगी। और हमारा लगाव जो CBN के साथ हो गया और हमने चुना कि यही एक संस्था अच्छी है और काम करके दिखा रही है। गरीब बच्चियां जो छोटियां लड़कियां ने जो 10 प्लस 2 के बाद नर्सिंग के कोर्स में जा रही है, जहाँ जहाँ भी मुसीबत आई देश में वहाँ ही जाके CBN ने काम और जाके गरीबों की मदद की और जिनको दवाइयों की लोड़ी उनको दवाइयाँ दी और जिनको कपड़े की लोड़ थी उनको कपड़ा दिया, जो जो भी ज़रूरत थी उनको CBN ने मुहैया किया। दान देना परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक तो नवे नियम में पढ़िए तो इसमें लिखा है आप जितना भी दोगे मैं उनसे भर के दूंगा और डुलता दूंगा, इसलिए दान देना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत आशीष मिलती है, हम देखते हैं जब दान जो अच्छी जगह गया है CBN तारीफ के लायक हैं और सब तो बढ़ के परमेश्वर इनसे आशीष बरकत दे और होर आगे बढ़ाएं और लोगों की सेवा करें। प्रोग्राम में अब समय आ पहुंचा है एक ब्रेक का, आपका हिम्मत जाएगा क्योंकि हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना इस ब्रेक के बाद। मैं तुम्हें एक महान नायक से मिलवाने ले जा रहा हूं। ये एक नई श्रृंखला है जिसमें और दर्शकों तक प्रभावशाली शिक्षाएं ले जाने की योग्यता है। सुपर बुक इन नाटकीय कथाओं को आसानी से समझाएगी उस सामर्थ्य से, उच्च स्तर और गति से जैसे आज के दर्शकों की मांग है। हम इतिहास के बीचों बीच खड़े हैं और इसे अंदर से बाहर तक देख रहे हैं। सुपर बुक प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे परमेश्वर की महिमा में एक गीत।
उम्मीद करते हैं कि आपने इस गीत को जरूर पसंद किया होगा। अब समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज के मैसेजेस किन विषयों पर हैं और किसने भेजे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रोशनी का मैसेज, जो लिखती है कि उन्हें हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा पाती हैं, बहुत शांति पाती हैं इसे देखकर, और साथ ही जब लोगों की मदद की जाती है वो भाग उन्हें बहुत प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद उस एनकरेजमेंट के लिए। दूसरा मैसेज आया है गोपाल का, और गोपाल लिखते हैं कि एक नई जिंदगी ये कार्यक्रम उन्हें बहुत पसंद है, और जिस तरह हम लोगों की मदद करते हैं वो देखकर वो प्रेरणा पाते हैं। गोपाल, धन्यवाद इस मैसेज के लिए। हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम को देखकर
कई लोग प्रेरणा पाते हैं। आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके अंदर में एक इच्छा जागती है कि मैं दूसरों की मदद करूं या दान में बढ़ूं, और किस तरह हम सही रीति से प्रेम के साथ इस जिंदगी को हम जी सकें। इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के करीब आएंगे और लोगों की मदद करने में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो आगे कदम उठाया है प्रभु, सेवा कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, दान के क्षेत्र में जो बढ़ रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक पार्टनर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और मांगते हैं कि उन्हें तू आशीष करेगा प्रभु। वो जानेंगे कि परमेश्वर खुद देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर तुझसे पाएंगे और दान के क्षेत्र में और भी बढ़ेंगे। यीशु मसीह, हम मांगते हैं, उन सब के लिए मांगते हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद उनके अंदर एक इच्छा जागी है प्रभु कुछ करने के लिए, हम मांगते हैं कि वो कदम उठाएंगे, हम मांगते हैं कि वो दान में बढ़ेंगे, हम मांगते हैं कि वो दूसरों की सेवा करने में बढ़ेंगे, और परमेश्वर वो देखेंगे कि तू उनके साथ है। इनका विश्वास बढ़ा प्रभु, वो तुझे जाने और तेरे रास्तों पर चले। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, ब्लेस ईच वन लॉर्ड। हर एक जो विश्वास के साथ तेरे पास आया है वो जानेगा कि तू एक भला परमेश्वर है। तेरी आशीष इन सब के ऊपर बनी रहे यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये मांगते हैं, आमेन। आमेन। दोस्तों, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, उसके करीब आइए और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आज का वचन भी हमें कुछ सिखाता है, आइए देखते हैं क्या। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर जब हमसे पूछेंगे, अपने हर धर्मी जन से पूछेंगे कि परमेश्वर के लिए हमने क्या किया, तो दान भी उसमें से एक ऐसी चीज है जो हम परमेश्वर के लिए कर पाते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे आपके द्वारा भेजे गए दान के साथ हम लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, कैसे उनको वो बेसिक फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनके जीवन में सहूलतें लाई जा रही हैं ताकि वो जीवन को बेहतर दिशा में बढ़ते हुए देख सकें। इन कामों में आप अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्द से अपना कदम उठाएं, आप अपने फ़ोन को उठाएं और हमें कॉल करें इस नंबर पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हमारे साथ पार्टनरशिप में शामिल हो जाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंस्पिरेशन कितना महत्वपूर्ण होता है अगर हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वी नीड टू बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग। कल गुरुवार है और कल एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात हम कराएंगे। कल आपसे एक क्विज भी हम पूछेंगे, तो कल का कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाजत लेने का समय आ पहुंचा है। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।